हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे आइसक्रीम बेस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप कोई सी भी आइसक्रीम बना सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट बनाएं, वनीला पसंद है तो वनीला बनाएं, और अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी बनाएं। और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है बिना कॉर्नफ्लावर के, बिना कस्टर्ड पाउडर और बिना फ्रेश क्रीम को यूज़ किए मैंने आज इस आइसक्रीम को बनाया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे जब ट्राई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क। आइसक्रीम बनाने के लिए हमेशा फुल फैट क्रीम मिल्क के लिए वो बेस्ट होता है। इसे हम रख देंगे उबलने के लिए। तो देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर देंगे और इसे छोड़ देंगे हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए, जिससे कि दूध जो है वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। और आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। और इसके बाद हम देख लेते हैं हम ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिससे आज हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बिस्किट, और ये है मारीगोल्ड बिस्किट जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। और इसका छोटा पैकेट भी आता है 10 रुपये वाला। और अगर आप सोच रहे हैं कि आइसक्रीम में बिस्किट का टेस्ट आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पूरा बिस्किट यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ 6 बिस्किट यूज़ करेंगे 1 लीटर दूध के लिए। और इस बिस्किट में अपना कोई फ्लेवर नहीं होता। अगर आपने इस बिस्किट को खाया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है। इस वजह से आइसक्रीम में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा बिस्किट का, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनेगी, बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ। तो सबसे पहले हम इसको डाल देंगे एक मिक्सिंग जार में। इसका हमें एक पाउडर बना लेना है, तो इसे हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे मिक्सिंग जार में। तो इसका हमें बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है पीस के। तो देखिए, इसका मैंने बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है, कोई भी गुठली नहीं है। और अगर आपको लगे तो आप इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे ऐसे ही डालेंगे दूध में तो इसमें ढेर सारे लम्ब्स बन जाएंगे दूध में, तो इसलिए हम इसे पहले दूध के साथ मिक्स कर लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्ब्स ना हो। ये देखिए, बिल्कुल लम्ब्स फ्री जो है ये पेस्ट बन गया है हमारा, कितना स्मूथ है ये। तो इसे हम रख देंगे साइड में। तो ये देखिए, दूध को पकते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गए, और आप देख सकते हैं दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है पहले से। और इसे एक बार मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया है, और ये मेजर करें तो ये 50 ग्राम होगा, और इसे इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती। 2 मिनट के लिए आप इसे पका लें मीडियम फ्लेम पर। और 2 मिनट बाद हमने जो बिस्किट का पेस्ट बना के रखा था दूध के साथ, उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बार आप उसे मिक्स कर दें, उसके बाद इसमें ऐड कर दें। और इसे ऐड करने के बाद इसे चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। तब तक हमें इसे पकाना है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखें और इसे आप चलाते हुए पकाएं, क्योंकि हमने इसमें बिस्किट ऐड किया है तो उससे लम्ब्स बन सकते हैं, इसलिए आप इसे चलाते हुए पका लें। ये देखिए, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर मैं इसका वनीला फ्लेवर बनाने वाली हूँ, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। और अगर आप इसमें चॉकलेट आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे इसमें 1/4 कप कोको पाउडर ऐड कर दें, और उसके साथ ही में आप थोड़ा सा चॉकलेट भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट या फिर मिल्क चॉकलेट, कोई सी भी चॉकलेट आपके पास जो भी अवेलेबल हो, डेरी मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसे इसमें इस टाइम पे चॉप करके ऐड कर दें। तो आपकी जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। और अगर आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे पहले अच्छे से पका लें, और जब दूध ठंडा हो जाए तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरी अगर आपके पास है तो। आप उसे भी मिक्सर में ग्राइंड करके उसकी प्योरी करके इसमें ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है तो आप उसकी जगह एसेंस यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी का, जो मार्केट में मिल जाता है बहुत ही ईजिली। और कलर के लिए आप पिंक फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा दिखे। तो आप ऐसे भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हैं, या तो आप एसेंस यूज़ कर लें या तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज़ कर लें। तो इस तरह से आपकी वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तीनों आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी इस बेस से, और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है।
और अगर आप कोई और फ्लेवर बनाना चाहते हैं लाइक कोकोनट पान फ्लेवर, तो आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो देखिए ये दूध जो है वो गाढ़ा होने लगा है अब काफ़ी पहले से, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब ये ठंडे होंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। तो ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए किस तरह से ये कोट कर रहा है स्पून को हल्का हल्का सा। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए, और इसे आप इस तरह से चलाते हुए ठंडा करें वरना इसके ऊपर एक पपड़ी जम जाएगी। फिर देखिए दूध जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी थिक भी हो गया है, काफ़ी थिक हो गया और कितना स्मूद और कितना क्रीमी लग रहा है ये। अभी से ही इसका बैटर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी है फ्रीज़र में जमाने के लिए, लेकिन इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, और वो है दूध की मलाई, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं है तो ना करें, या फिर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं जो मार्केट में ईजिली मिल जाती है, वरना अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो इसे डालकर हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 5 बड़े चम्मच दूध की मलाई इसमें ऐड की है और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे डाल देंगे एक कंटेनर में, आप कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए। तो इसमें पूरा हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम ऊपर से लेवल अप कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉयल से या फिर क्लीन रैप से, आपके पास जो भी आप उससे इसे कवर कर दें अच्छे से, और फिर हम इसकी लीड लगा देंगे। और अब हमें इसे तब तक रखना है फ्रीज़र में जब तक कि ये आधा से ज़्यादा सेट नहीं हो जाता, सेमी सेट नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे रखना है। इसके लिए 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं या फिर ज़्यादा भी लग सकता है, फ्रिज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे रख देंगे जब तक कि सेमी सेट नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पे 4 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। ये देखिए आइसक्रीम जो है वो इस टाइम पे सेमी सेट है, पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है, ये अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। तो इस स्टेज पे हम इसे डाल देंगे एक मिक्सिंग जार में, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रीमी है कि आइसक्रीम अभी से ही, ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है कि ये दूध की आइसक्रीम है, ऐसा लग रहा है हमने इसे ढेर सारी क्रीम से बनाया है। तो इसे डाल देंगे हम मिक्सिंग जार में, और अब हमें इसे चर्न करना है 50 सेकेंड के लिए, ऑन ऑफ करते हुए आपको चर्न करना है। ये देखिए मैंने इसे चर्न कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्मूद है ये और कितना ज़्यादा क्रीमी है। इसे देख कर लग नहीं रहा है कि हमने इसमें दूध ऐड किया, ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें ढेर सारी क्रीम ऐड की है। और अगर आप मिक्सर एक साथ चला देंगे तो आइसक्रीम जो है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी मशीन के हीट से, तो आप उसे ऑन ऑफ करते हुए चलाएं सिर्फ 40 से 50 सेकंड के लिए, और आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा। तो इसके बाद फिर से हम इसे डाल देंगे उसी कंटेनर में। ये अभी से ही देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसे ऊपर से लेवल अप कर देंगे, और फिर से हम इसे कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से, और आप इसे इस तरह से सटा कर इस पर लगाएँ जिससे कि इसके ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल ना जम पाए। और फिर से हम इसकी लीड लगा देंगे, और अब हम इसे रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट, जब तक कि आइसक्रीम अच्छे से जम नहीं जाती। ये देखिए आइसक्रीम पूरी अच्छे से जम गई है, 8 घंटे हो गए हैं। और आइसक्रीम को स्कूप करने से पहले आप उसे फ्रीज़र में से निकाल के 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें, इससे जो आपकी आइसक्रीम है वो बहुत ही स्मूथली स्कूप आउट होगी। तो इसके ऊपर का एल्यूमिनियम फॉइल हटा लेते हैं। तो अब मैं आपको इसे स्कूप करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा स्मूद है, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर में ही बनाया है। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम बनती है। तो आप भी इसे घर में ट्राई करें, इंजॉय करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।